गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपन क्लास ट्वेल्थ का एक बिल्कुल न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं आप लोगों के टर्म फर्स्ट का चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर वैसे आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो ग्रुप 13 है, ग्रुप 14 है, उनको अपन जो है जो आपके 11th क्लास हैं उसमें अपन पढ़ लेते हैं। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है ग्रुप 15 से आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के अंदर। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन देता हूं स्टूडेंट्स के, आप लोगों को सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मीन्स होता है अगर किसी एलिमेंट्स के अंदर आने वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर होता है तो वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को जो है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में रखा गया है। ठीक है, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि पी सब शेल के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जा सकता है। इतनी बातें आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। अपन अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स के पी ब्लॉक एलिमेंट की, तो पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कंपैरिजन जो किया जाएगा या जो भी कंपैरेटिवली स्टडी की जाएगी वो की जाएगी अपने ग्रुप वाले ग्रुप से, जस्ट पहले वाले ग्रुप से, यानी जिस ग्रुप का अपन स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अपन ग्रुप नंबर 15 पढ़ने वाले हैं, ग्रुप 15 को पढ़ना है तो अपन को ग्रुप 14 से इसका कंपैरिजन करना होगा, कंपैरिटिंग करना रहेगा। चलिए अपन बात करते हैं, जैसे अपने जो फर्स्ट ग्रुप है जो कि आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है वो है ग्रुप 15। अब ग्रुप 15 के अंदर आप लोग जानते हो कि इसमें नाइट्रोजन, ये एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं जिसके अंदर है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मिथ है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, है ना। एक बात आपको ये भी याद रखना है कि इसको अपन और किस नाम से जानते हैं, तो ये नाइट्रोजन फैमिली भी कहलाता है। ये नाइट्रोजन फैमिली या इसी को अपन नाइट्रोजन ग्रुप भी कहते हैं। या इसी ग्रुप का एक और नेम होता है, इसको अपन चालकोजन ग्रुप भी बोलते हैं, चालकोजेंस या चालकोजन ग्रुप भी इसे बोलते हैं। ये चालकोजन क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको थोड़ा सा बहुत ये याद रखना है कि ये सारे सफोकेटिंग वाले होते हैं, यानी इनकी जो स्मेल होती है इससे सफोकेशन होता है, तो इस वजह से ये क्या कहलाते हैं, चालकोजेंस भी कहलाते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्मिथ है आपके पास। सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन आता है इनके अकरेंस के ऊपर कि कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स कौन सा है, इनसे रिलेटेड थोड़ी सी अपन को जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो नाइट्रोजन होता है अगर वो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, यानी अगर N2 गैस की फॉर्म में है, तो वो करीब 78% गैस जो है एनवायरमेंट के अंदर, एटमोसफियर के अंदर प्रेजेंट है। बट अगर अपन बात करते हैं कि अगर नाइट्रोजन एलिमेंट्स की फॉर्म में है, अगर एलिमेंट की फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो जो अर्थ क्रस्ट है उस पर ये 33rd मोस्ट अबंडेंट मेटल या मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल्स या एलिमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे कि एक तो आपका NaNO3 है, एक है KNO3। NaNO3 को अपन चिली सोल्ट पीटर कहते हैं, और यहां पर ये जो होता है इसे अपन इंडियन सोल्ट पीटर के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन एलिमेंट जो है वो इतना ज़्यादा अर्थ क्रस्ट पर प्रेजेंट नहीं होता है, इसके जो सॉल्ट्स होते हैं या इनके जो नाइट्राइड्स होते हैं वो वाटर के अंदर बहुत ही अच्छे सोल्यूबल होते हैं, और प्लांट्स को जो है नाइट्रोजन की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड्स होती है, तो इसके लिए फिर अपन क्या करते हैं, उनको यूरिया वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। अब उसके बाद अगर अपन अकेरेंस की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के बाद आपके फॉस्फोरस आ जाता है। फॉस्फोरस जो है आपका 11th
मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट। और नॉर्मली ये जो होता है अर्थ क्रस्ट के ऊपर ओट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इसके जो ओट्स होते हैं इसमें मोस्टली जो है एपेटाइट फैमिली होती है, एपेटाइट फैमिली। अब ये जो एपेटाइट फैमिली होती है इसमें क्लोर एपेटाइट भी होता है, फ्लोर एपेटाइट भी होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी होता है, जिनके जो है आपको थोड़े से फॉर्मूलेज आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर अपन बात करते हैं तो CA3 PA4 का होल थ्राइस F लगा दिया गया, CA3 PO4 का होल थ्राइस CL लगा दिया गया, CA3 PO4 का होल थ्राइस और OH लगा दिया गया। इसको अपन बोलेंगे फ्लोर एपेटाइट या फ्लोरो एपेटाइट, ये कहलाएगा क्लोरो एपेटाइट और ये कहलाएगा हाइड्रोक्सी एपेटाइट PO4, है ना। ये हो जाएगा आपका क्लोरोएपेटाइट या क्लोरएपेटाइट, सॉरी फ्लोर, ये हो जाएगा क्लोरएपेटाइट और ये हो जाएगा आपका हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या होते हैं, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट्स हैं। और बाकी इनके अलावा जैसे ये बिस्मिथ है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है, ये बहुत ही रेयर केस में यानी कुछ अमाउंट या कुछ परसेंटेज में ही अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं। मोस्टली जो है ग्रुप 15 के ये दोनों ही एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा प्रजेंट होते हैं। अब स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं इनके आगे कंटिन्यू इसमें इनके जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स जब भी अपन जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे तो अपन क्या देखेंगे कि जस्ट इससे पहले वाला जो ग्रुप है वो कौन सा है, कार्बन फैमिली है। तो जैसे कहे शिव जी सुनो पार्वती, ठीक है ना, ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को अपन बोलते हैं ये ग्रुप 14 है और ये ग्रुप 15 है। जब भी आप कंपेरिजन करेंगे तो कंपेरिजन करते टाइम पर आपको ये याद रखना है ग्रुप 14 के कंपेयर में ये कैसा है और अप टू डाउन चलने पर क्या प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, इनके बारे में डिस्कस किया जाता है। अब जैसे सबसे पहली जो अगर अपन बात करते हैं तो वो है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहली जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं इन ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये है NS2NP3। ये इसका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर अपन नाइट्रोजन के लिए बात करते हैं तो नाइट्रोजन ये जो है यहाँ पर N की वैल्यू आपको क्या लेनी है, 2 लेनी है, यहाँ N की वैल्यू 3 लेनी है, यहाँ N की वैल्यू 4 हो जाएगी, यहाँ N की वैल्यू 5 और यहाँ N की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप क्या करेंगे इसके अंदर फिल करते जाएंगे। तो अपन जानेंगे कि यहाँ पर N की वैल्यू अगर नाइट्रोजन के लिए मैं 2 लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s2 और 2p3, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये पता है कि नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसका मींस इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 है। लेकिन यहाँ अगर अपन देखते हैं तो 2 और 3 यानी ओनली 5 इलेक्ट्रॉन्स ही हो रहे हैं, तो इसका मींस ये है कि इससे पहले वाला शेल जो है वो यहाँ पर अपन ने रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो इसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन फैमिली है या नाइट्रोजन जिस पीरियड का एलिमेंट है, यानी कि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकंड पीरियड के अंदर जो नोबल गैस आती है वो कौन सी होती है, नियॉन,
सेकंड जो ग्रुप है, सॉरी सेकंड जो पीरियड है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखने की कोशिश करूँगा तो ऊपर हीलियम आएगा, नियोन आएगा, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन ऐसा लिखा जाएगा। तो अब अपन यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो नाइट्रोजन है जिस पीरियड का एलिमेंट है, यानी कि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो सेकंड पीरियड की जो नोबल गैस है वो कौन सी है, नियोन है। मगर अपन को क्या करना है, जो अपन जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू जनरल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला, जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला है, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर अपन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, तो जिस एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो उस एलिमेंट के जस्ट ऊपर वाला जो पीरियड है उसके अंदर जो नोबल गैस है वो आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हीलियम जो है इससे ऊपर वाला है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया एच ई को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और क्या बन गया 2s2 2p3 हो गया। इसी तरह से अगर मुझे फास्फोरस का लिखना है तो अपन जानते हैं कि इससे पहले जो है वो क्या आ जाएगा, नियोन आ जाएगा और क्या हो जाएगा 2s2 और सॉरी 2 की जगह 3 आ जाएगा, n की वैल्यू यहां पर 3 है तो यहां क्या हो जाएगा 3s2 और ये हो जाएगा आपका 3p3। फिर उसके बाद अगर अपन बात करते हैं आर्सेनिक के लिए, तो आर्सेनिक जो है इसके लिए आ जाएगा आपका आर्गन और ये हो जाएगा आपका 4d10 सॉरी एक मिनट 4s2 4p3 ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका Sb यानी एंटीमनी, इसके लिए Kr यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा आपको यहाँ याद रखना है ये जो एंटीमनी है और ये जो बिस्मिथ है इसके अंदर थोड़ा सा आपको याद रखना है। देखिए वैसे तो आप जानते हैं कि n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू 5 है, यानी कि अगर मैं n की वैल्यू लिखता हूँ तो 5s2 और ये 5p3 हो रहा है। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना है कि इसके अंदर जो 4d है वो कंप्लीट फिल है, यानी 4d10 भी आपको लिखना है ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ 3d10 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको क्या करना है 4d10 लिखना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो बिस्मिथ है अगर मैं इसके लिए बात करूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा XE ज़ीनोन और फिर उसी तरह से जैसे यहाँ पर 6 है तो मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँगा, ये क्या हो जाएगा 6s2 और ये हो जाएगा 6p3 और यहाँ अगर मैं बात करूँगा तो ये 4f14 लिख देते हैं। वैसे तो अपन यहाँ पर 5d10 भी लिखेंगे कि 5d10 भी आता है, यहाँ पर 14 भी रहेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है डी और एफ को यहां पर अपन को शो करना है, इसीलिए मैं यहां पर डी और एफ को शो कर रहा हूं कि इसके अंदर डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि जो डी ऑर्बिटल्स है 4d है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और आप लोग जानते हो कि डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल हो सकते हैं। बिस्मिथ की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें 4f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि जो f ऑर्बिटल है बिस्मिथ में वो भी क्या है कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये इनके क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अब लोग देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो इनका जो पी ऑर्बिटल्स हैं, ये जो पी ऑर्बिटल्स हैं ये क्या है हाफ फिल्ड होता है, पी ऑर्बिटल्स जो होता है इनका हाफ फिल्ड होता है। तो हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी जो होती है वो अनफिल्ड के कंपेयर में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इस वजह से भी क्या होता है कुछ ज़्यादा स्टेबिलिटी इनके अंदर आ जाती है। चलिए अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स के, सबसे पहले अपन ने देखा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला NS2 और NP3 होता है। NS2 NP3 होने के बाद अपन ने इन सभी के जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स के इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला में से मान लीजिए किसी एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप इस तरह से आसानी से, अगर आपको ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला याद है लर्न है तो बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो इनको लिख सकते हो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स एक बार मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ। अब देखिए ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन उसके बाद जो आपका सेकंड जनरल इलेक्ट्रॉनिक या जनरल जो अपन स्टडीज करेंगे वो है एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। अब ये जो एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई यानी कि एटम की रेडियस ठीक है। अब अपन यहां देखते हैं स्टूडेंट्स के कंपेरिटिन करते हैं, कंपेरिजन करेंगे 14 और 15 ग्रुप के अंदर। तो आप लोग जानते हो किसी भी पीरियड के अंदर अगर आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं
अगर लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो अपन यहां पर ये कह सकते हैं कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर डिक्रीजेस, सो ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर स्मॉल हैविंग स्मॉल रेडियस कंपेयर टू ग्रुप 14। ग्रुप 14 के कंपेयर में क्या होते हैं, ये थोड़े से छोटे होते हैं, यानी कि ये जो ग्रुप 14 है इन ग्रुप 14 के कंपैरिजन में इनके जो एटॉमिक रेडियस होगी ग्रुप 15 की वह क्या होती है, थोड़ी स्मॉल होती है, है ना। अब एक बात तो ये याद रखनी है, अब आपको देखें एक छोटी सी बात आपको ये भी याद रखनी है कि ये तो आप कहाँ जा रहे हैं, व्हेन लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, और अगर अपन ये कहें व्हेन मूव अप टू डाउन आर इंक्रीजेस, यानी जो रेडियस हो जाती है वो इंक्रीजेस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब कैसे इंक्रीज हो रही है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और ये बिस्मिथ है। याद नहीं रखना है आपको, बस थोड़ा सा रफली आइडिया रखना है कि इनकी रेडियस जो है वो कितनी कितनी होती है। जैसे इसकी जो रेडियस है वो करीब 70 है, 110 है, 121 है, देन उसके बाद यहाँ अगर अपन बात करते हैं तो ये 141 है और ये 148 है। देखिए स्टूडेंट्स, अपन यहाँ देखते हैं कि अप टू डाउन चलने पर रेडियस क्या होती जा रही है, इंक्रीज हो रही है, रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, जो रेडियस है उसमें बहुत ही कम चेंजेस आ रहे हैं, यानी जो रेडियस है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर जो है कंटिन्यू रेडियस क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, है ना। ठीक है, अच्छा एक और बात स्टूडेंट्स, यहाँ अगर अपन बात करते हैं, देखो यहाँ से यहाँ थोड़ा जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, तो अब ये जो हो रहा है ये क्या हो कि भाई यहाँ ऐसा क्या हुआ कि इतना ही चेंजेस आया है, तो आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर SB, मैंने कहा था ना कि ये जो SB है इसमें कौन से ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, और बिस्मिथ के अंदर क्या प्रेजेंट है, एफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। तो ये जो डी ऑर्बिटल्स और एफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। अब जब ये कंप्लीटली फिल्ड है तो ये क्या करेंगे, ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट को शो करेंगे, कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। यहां पर क्या शो हो रहा है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, है ना, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा कि यहां पर ये जो रेडियस है इसमें चेंजेस बहुत ही कम आ पाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि यहां पर रेडियस के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, बस ये इतना सा आपको याद रखना है कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। अब शील्डिंग इफेक्ट या पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, तो इसके लिए जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी ऑर्बिटल्स है या सॉरी कोई भी एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स के जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो न्यूक्लियस का इफेक्ट होता है, अगर ये न्यूक्लियस का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर, क्यों कम होगा, तो सीधी सी बात है इसके अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वो न्यूक्लियस के पावर को अपने अंदर लेने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पुअर शील्डेड हो जाएंगे, या यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इनके अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट होगा, यानी कि ये एक तरह से न्यूक्लियस के पावर से बच जाएंगे, तो यही चीज क्या कहलाती है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट कहलाती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो चलिए अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है आपका जो थर्ड पॉइंट आता है वो है आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर डेल आई का साइन, उसके बाद एच, इसे अपन कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ये किसी भी जो एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के इफेक्ट से दूर ले जाने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है वो क्या कहलाती है, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग जानते हो कि भाई नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, तो मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अपन ने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखा था 2s2 और 2p3 है। अब पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। अब इन 3 में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब एनर्जी देनी पड़ेगी तो जो एनर्जी की वैल्यूज आएगी, जो एंथैल्पी की वैल्यूज आएगी, वही क्या कहलाएगी, आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। अब यहाँ अपन कंपैरिजन करते हैं ग्रुप 14 के कंपैरिजन में। अब आप लोगों को पता है कि जब अपन यहाँ से यहाँ गए थे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो गई थी, कम हो गई थी। अब एटॉमिक रेडियस कम हो जाने से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब न्यूक्लियस का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा तो अगर मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, रिमूव कराना है, तो मोर एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि जब आप कार्बन के कंपैरिजन में देखते हैं तो इनके लिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है ना। पहली बात तो ये हो गई। तो अपन यहाँ ये लिख सकते हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैविंग मोर आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ग्रुप 14 के कंपेयर्स में इनकी क्या होती है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, वो ज़्यादा होती है। एक बात तो ये। अब इसमें नाइट्रोजन जो है आपका एक्सेप्शन आ जाता है। नॉर्मली तो क्या होता है कि जैसे एक फिक्स ट्रेंड होता है कि इस ट्रेंड से अगर एनर्जी बढ़ रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 20 थी, अब यहाँ पर 30 हो गई, यहाँ पर 40 हो गई, यहाँ पर 50 हो गई, तो एक फिक्स ट्रेंड से एनर्जी इंक्रीज हो रही थी। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन के अंदर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बहुत ज़्यादा होने की वजह यह है कि नाइट्रोजन जो है, एक तो फर्स्ट बात यह है कि वेरी स्मॉल साइज, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज का होता है नाइट्रोजन जो है, वो स्मॉल इन साइज होता है, स्मॉल साइज का होता है। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, EN का मीन्स है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो नाइट्रोजन की हाई होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। और एक बात यहाँ पर और याद रखना है कि कहीं कहीं पर नाइट्रोजन जो है वो एक्सेप्शन की फॉर्म में आ जाता है, तो उसकी वजह एक ये हो सकती है कि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एब्सेंस होते हैं, तो इन वजह से क्या होता है कि नाइट्रोजन के अंदर एक्सेप्शन ज़्यादा आ जाते हैं। नाइट्रोजन बहुत सी जगह आपको एक्सेप्शन की फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो यहाँ अपन ये कह रहे हैं कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो हैं उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपेयर टू ग्रुप 14 के। लेकिन वहीं अगर अपन क्या करते हैं, व्हेन वी मूव अप टू डाउन, जैसे जैसे अपन अप टू डाउन चलते हैं, तो क्योंकि इनकी रेडियस क्या होती जा रही है, इंक्रीज हो रही है, रेडियस इनकी बढ़ती जा रही है। जब रेडियस इंक्रीज हो जाएगी तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का इफेक्ट कम हो जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा। तो यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक बात तो ये। दूसरी बात स्टूडेंट्स ये भी है कि ऊपर से नीचे चलने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने की वजह से, रेडियस इंक्रीज होने की वजह से, इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है उसमें इस तरह का ट्रेंड या चेंजेस अपन को देखने को मिलता है। तो अपन यहां पर ये लिख सकते हैं कि व्हेन वी मूव
व्हेन वी मूव अप टू डाउन आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज. Due to increase atomic radius, या इसे अपन R से represent कर सकते हैं, and decrease electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाने की वजह से और साथ ही साथ यहाँ पर ऊपर से नीचे आने पर इसकी रेडियस इंक्रीज हो जाने की वजह से क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी में इस तरह के चेंजेस आते हैं. अब उसके बाद आता है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसा मैंने भी डिस्कस कर ही लिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सिंपल से आपको ये याद रखना है कि अप टू डाउन चलने पर क्या होती है, ये डिक्रीज होती है और कार्बन फैमिली की कंपैरिजन में इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू कार्बन फैमिली. लार्ज electronegativity and up to down electronegativity decrease. बस ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है. फिर उसके बाद आती है metallic property. मेटेलिक प्रॉपर्टीज में अगर अपन बात करते हैं तो जो नाइट्रोजन है और जो फॉस्फोरस है, ये दोनों तो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं. अगर अपन बात करते हैं एसबी की और आर्सेनिक की, तो ये दोनों सेमी मेटल्स होते हैं. और वहीं अगर अपन बात करते हैं बीआई बिस्मिथ की, तो ये मेटल्स होते हैं. तो इसका मीन्स ये है कि अप टू डाउन चलने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज हो रही है. अब मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होने की वजह यही है यहाँ पर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रही है. एक पॉइंट होता है एलोट्रोपी. एलोट्रोपी के अंदर अगर अपन बात करते हैं जो नाइट्रोजन है ये एलोट्रोपी शो नहीं करता है, लेकिन फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी ये तीनों ही जो है एलोट्रोपी को शो करते हैं. जैसे जिसमें फास्फोरस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रेड फास्फोरस की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, ब्लैक फास्फोरस की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और येलो फास्फोरस की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, है ना. फिर उसके बाद अगर अपन बात करते हैं आर्सेनिक की, तो एक येलो आर्सेनिक होता है और एक ग्रे होता है. देन उसके बाद अगर अपन यहाँ पर येलो और सिल्वरी होता है,